सो हेलो गाइस, आज के स्टूडियो में हम आईएम कोलकाता के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। आईएम कोलकाता, देखो मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैं बताऊँ उसको ध्यान में रखना, ठीक है। देखो, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस अभी हमारे लिस्ट में आ रहे होंगे WBJ के लिस्ट में, उन सभी प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है, उन सभी प्राइवेट कॉलेजेस में तीन मोड से आप एडमिशन ले सकते हो। पहले एडमिशन की हम बात कर रहे हैं तो एडमिशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पहला रहेगा WBJ और JEE मेंस, और तीसरा तरीका होता है मैनेजमेंट कोटा, और चौथा तरीका भी मैं बताऊंगा, तो बने रहो वीडियो में, ठीक है। तो 90% जो सीट्स होता है वो WBJEE के थ्रू, 10% JEE मेंस के थ्रू, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लगभग 80% जो होता है सीट, लगभग क्या, 80% सीट्स जो होता है WBJEE के थ्रू, 10% JEE मेंस और 10% मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। और इसके बाद, इन तीनों के बाद जो सीट बच जाते हैं तो डायरेक्ट बचेंगे कौन, किस में, नॉन कोर, मतलब लो ब्रांचेज में, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में अगर बच जाते हैं और किसी का रैंक अच्छा है, ठीक है, ठीक है, रैंक अच्छा है, तो वो अप्लाई करके या डायरेक्ट जाके भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है, क्लियर है, तो ऐसे भी ले सकता है। और हाँ, प्लेसमेंट की बात आती है, प्लेसमेंट बहुत ही शानदार, चूँकि देखो यार मैं बता रहा हूँ, NRF रैंकिंग्स कंपनीज देखती क्या है, पहले ये सोचो, कंपनीज देखती है कि वो क्या क्या कॉलेज एग्रीगेट है, जैसे तुम्हारे पास क्या क्या डिग्री है, तुम्हें जॉब कोई देगा तो क्या देखेगा, तुम्हारे पास क्या क्या डिग्री, ऐसे ही कॉलेज में क्या क्या, किस चीज़ से एग्रीगेट है, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये NRF रैंकिंग से भी रैंक्ड है, मकाउट से एफिलिएट है, ठीक है, AICT अप्रूव्ड है, तो पैकेज जो है काफ़ी अच्छा आपको देखने को, ऑब्वियसली आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही है 72 LPA गया है इसका हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। तो पैकेज बहुत ही शानदार है, और हाँ, ये अर्बन एरिया में है, कोई दिक्कत आने जाने का नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है, आने जाने का कोई दिक्कत नहीं। हॉस्टल की बात आती है, हॉस्टल बाहर है, ठीक है, मतलब कॉलेज से दूर है, बहुत दूर नहीं है, सेक्टर 5 में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। NRF रैंकिंग की बात करें तो 151 से 200 के बीच में है, जो प्रीवियसली भी था, और एक टाइम पे इसका था 169, ठीक है, 169 एक टाइम पे था, वो कौन सा ईयर था मुझे ध्यान में अभी नहीं आ पा रहा है। हाँ, यहाँ पे मेंशन किया गया है 2021 में 169, ओके मेंशन है, ठीक है, क्लियर है। इंजीनियरिंग में 169 था इसका पोजीशन, ठीक है, ओके। मोड ऑफ एडमिशन की बात हमने कर ली। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोर्सेज आपको BTech में ही, मतलब कंप्यूटर साइंस में आपको 5 से 6 स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, जैसे कंप्यूटर साइंस ये कोर वाला मेन हो जाता है, इसी में बिजनेस सिस्टम है, स्पेशलाइजेशन इन AI है, AIML है, उसके बाद IoT है, साइबर सिक्योरिटी वाला हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे सिर्फ CSE के अंदर है, तो इनमें से भैया किसको हम प्रेफरेंस दें ये भी बड़ा मैटर हो जाता है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कंप्यूटर साइंस पहले रखना, ठीक है, उसके बाद AI और AIML में से किसी को भी रख सकते हो, देन IT, ठीक है, उसके बाद तुम इसमें साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन जो वाला है उसमें आप चूज कर सकते हो, या फिर IoT को भी चूज कर सकते हो, क्योंकि अभी साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन का भी डिमांड बहुत है, ठीक है, तो इसको भी आप चूज कर सकते हो, देन आप बिजनेस सिस्टम को रख सकते हो, ठीक है। वैसे आप पे निर्भर करता है आप क्या चूज करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस वाइज भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। सीट मैट्रिक्स का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया होगा तो वो आपको मिल रहा होगा, ठीक है। कट ऑफ JEE मेंस कट ऑफ आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, अभी WBJEE कट ऑफ हम देख लेते हैं, ठीक है। JEE मेंस का कट ऑफ सारा का लिंक जो भी मैं बता रहा हूँ उन सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा होगा, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन भूल से भी चेक करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड किया गया है। तो थर्ड राउंड का अभी हम कट ऑफ देखें तो देखो JEE मेंस में इस बार का कट ऑफ जो देखा गया, स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान थे, क्योंकि अच्छे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ कि कट ऑफ काफ़ी लो गया था, ठीक है, मतलब उतना भी अच्छा कॉलेज जो है नहीं मिल पा रहा था स्टूडेंट लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी WBJEE में देख लेते हैं, तो WBJEE में अगर आपको CSE चाहिए कोर वाला, ठीक है, तो 5,000 के अंदर आपको आना होगा, 4,500-5,000 के अंदर आपको आना होगा, ठीक है। और यहाँ जैसे मैं बोला कि AIML में ज़्यादा चूज़ किए, देन AI, ठीक है, उसके बाद ब्लॉकचेन, ठीक है, ओके, और भी ब्रांचेज के यहाँ पे IoT, जैसे मैं बोला ना कि ब्लॉकचेन का डिमांड ज़्यादा है, तो स्टूडेंट लोग भी उसी को चूज़ किए हैं, और 15,000 पे ये है, ठीक है, तो और भी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। फ़ी देख लेते हैं पहले हम,
तो अगर हम आईएम का फ़ी देखें, देखो फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है इस बार और जो भी ज़्यादा बढ़ा है, इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। लगभग आप समझ लो कि 70 से 72 हज़ार पर सेमेस्टर, मतलब 75 हज़ार के आसपास पर सेमेस्टर आपको लग रहे होंगे, ठीक है। हॉस्टल फ़ी यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो हॉस्टल फ़ी बॉयज़ हॉस्टल में 90 हज़ार के आसपास और 1 लाख गर्ल्स हॉस्टल में लग रहा होगा पर ईयर है ये, ठीक है, क्लियर है, ओके। और प्लेसमेंट, प्लेसमेंट अगर हम देखें प्रीवियस ईयर का, अभी भी देखो यहाँ पे कंपनीज बहुत सारी आती, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, उसके बाद आपको ये माइक्रोसॉफ्ट भी आई हुई है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। वैसे अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो यहाँ 72 LPA देखने को मिला था, ओके, और यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको 72, और एवरेज पैकेज इसका 4.5 रहता है लगभग, ठीक है, ओके, 4.5 इसका एवरेज CTC रहता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।